टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं श्रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पूरा देश आज 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन सन 1947 में भारत अंग्रेजों के गुलामी और जुल्म से आज़ाद हुआ था। स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान को लोग याद करते हैं। भारत के गौरव का प्रतीक तिरंगा फहराया जाता है और आज मुंब्रा शहर में लोगों ने आज़ादी का जश्न बड़े ही धूमधाम से मनाया। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में तिरंगा फहराया गया और सलामी दी गई। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी गई। वहीं राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों पर भी तिरंगा फहराया गया और आज़ादी का जश्न बड़े ही धूम से मनाया गया। मुंब्रा में जमीतुल उलमा हिंद के दफ्तर पर भी तिरंगा फहराकर देश की सलामती के लिए दुआ मांगी गई ताकि देश में शांति और अमन बनी रहे। इस दौरान मुंब्रा के जमीतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना वहाब कासमी ने क्या कुछ कहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी जमीतुल उलमा के दफ्तर पर बड़े कायदे से मनाई गई। परचम कुशाई की तकरीब हुई, उसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया और कौमी तराना पढ़ने के बाद हिंदुस्तान के नारे लगे और मुल्क के लिए दुआएं की गई। और हर साल की तरह इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ और हम लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस खुशी के मौके पे हमारे मुल्क को खूब तरक्की दे और हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में रोशन हो जाए, एक नंबर का ये मुल्क बन जाए, हमारी दुआ है। और जमीतुल उलमा के तमाम साथियों, तमाम जिम्मेदारों की तरफ से मैं यौम जम्हूरिया की सबको, पूरे मुंब्रा के लोगों को, यौम आज़ादी की पूरे मुंब्रा के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मुबारकबाद देता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को खूब खुशहाल और तरक्की याफ्ता बनाए।